मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यदि आप अपनी फेस की स्किन पर कोई सी भी क्रीम, कोई भी केमिकल से बना हुआ कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट यदि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो 7 दिन में, 7-8 दिन में आपको मिल्क में इस चीज़ को मिलाकर अपने फेस पर जरूर ही लगाना चाहिए। इससे आपकी फेस की स्किन पर जो केमिकल से बनी हुई ब्यूटी प्रोडक्ट अपने फेस पर लगाते हैं, इसका दुष्प्रभाव आपकी फेस की स्किन पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपकी फेस की स्किन मोती की तरह चमकदार, गोरी, सुंदर हमेशा बनी रहेगी। मैंने बड़ी बड़ी ब्यूटी पार्लर में जाके इस चीज़ को जाना है। आप कभी भी ब्यूटी पार्लर में जाएं और यदि आप उनसे बोलते हैं कि मुझे मिल्क क्लींजर करवाना है, तो मेरा यकीन करना, जब आप उसकी रेट सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। हज़ारों रुपए की मिल्क क्लींजिंग आपके चेहरे को साफ करने के लिए होता है। और पता है, उस मिल्क क्लींजिंग से केवल 1 दिन ही आपकी फेस की स्किन सुंदर दिखती है, तरोताज़ा दिखती है। उसके बाद बस वही हालत होती है जो कि हमारी फेस की स्किन की पहले थी। तो हज़ारों रुपए बिल्कुल भी आप बर्बाद मत करिए। मैं ऐसी चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि आप इसको मिल्क में मिलाकर अपने फेस स्किन पर लगाते हैं, कभी भी आपकी फेस की स्किन की ग्लो कम नहीं होगी और आप हमेशा जवान, सुंदर, आपकी फेस की स्किन गोरी चमकदार रहेगी। तो फिर आपको क्या मिलाना है, मैं आपको बता देता हूँ। कुदरत ने जो दूध की व्यवस्था की है, दूध के अलावा दूसरी ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो हमारी स्किन की मैल गंदगी को साफ करती हो। नेचुरल चीज़ में यदि हम इसकी गिनती करें तो सबसे पहले दूध ही आता है जो हमारी स्किन की मैल गंदगी को साफ करता है। सबसे पहले आप सादा पानी से आप अपनी फेस की स्किन को गीला कर लें, फिर उसके बाद किसी सूती कपड़े, तौलिए या फिर हैंकी में थोड़ा सा पानी डाल के उस कपड़े को आप गीला कर लें और फिर उस कपड़े से आपको अपने फेस की स्किन पर थोड़ी सी सफाई कर लेनी है। दबा दबा के आप अपनी फेस की स्किन को पूरी तरह से साफ कर लीजिए। अब आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए 1 घंटे पहले आपको यह काम करना है। एक छोटी सी कटोरी में आपको दूध लेना है। कच्चा दूध लेंगे तो वो सबसे बेस्ट ही रहेगा। कच्चा दूध ही आप अपनी स्किन पे लगाने के लिए लिया करें तो वो सबसे अच्छा रहता है, कच्चा मिल्क। तो फिर आपको 1 कटोरी के लगभग कच्चा मिल्क लेना है और 1 कटोरी में कच्चा मिल्क लेने के बाद 1 चम्मच के लगभग आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर उसमें मिला देना है और बस इसको आप मिक्स करके 1 घंटे के लगभग आप इस मिश्रण को ऐसे ही रखे रहने देना। 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, लगभग 1 घंटे ही आप इसको ऐसे ही रखे छोड़ देना। और फिर 1 घंटे के बाद, फिर उसके बाद आपको अपना फेस गीला करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने फेस को गीला करने के बाद सूती कपड़े से आप अपने फेस की स्किन को साफ़ कर लीजिए दबा दबा के। फिर उसके बाद इस मुल्तानी मिट्टी को आप अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर भी आप इसको, गर्दन के नीचे आसपास आप इसको, इस मिश्रण को लगा लें और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दें। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे को गीला करें और अपने हाथ से ऊपर नीचे स्क्रब करते हुए इसको साफ़ कर लें। फिर उसके बाद ही आपको सादा पानी से अपना चेहरा धो लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ मिल्क में जो आपको ऐड करनी है। पहला वाला नुस्खा आपने सुन लिया, अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बता देता हूँ और फिर इनमें से जो भी आपको पसंद हो उसको आप रेगुलर कर सकते हैं और सप्ताह में 1-2 बार तो आपको यह ज़रूर ही बना के आप अपनी फेस की स्किन पर लगाएँ। आपको पता है हमारी फेस स्किन पर डेड स्किन क्यों जमा हो जाती है? जितने आप केमिकल से बनी हुई क्रीमें या फिर आप मार्केट से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट लेके आते हैं और ज़्यादा मात्रा में आप इसे लगाते हैं और महीने में 2-3 बार ब्यूटी पार्लर भी आप जाते हैं और फेस की सफाई नहीं करते, यदि आप बाहर जाते हैं तो अपने फेस स्किन पर सनस्क्रीन भी नहीं लगाते हैं और रात में आप सोते हैं तो अपने चेहरे को क्लीन करके नहीं सोते हैं, तो इन कारणों से हमारी फेस स्किन पर डेड स्किन जमा हो जाती है और इसको हम अनदेखा करते रहते हैं। इस कारण से हमारी फेस की स्किन की नेचुरल जो ग्लो होती है, नेचुरल जो ऑयल होता है, वह ख़त्म होने लगता है और फिर हमारी फेस की स्किन सांवली सी भी दिखने लगती है। तो इन कारण से हमारी फेस की स्किन पर डेड स्किन जमा हो जाती है। लेकिन जो मिल्क क्लींजिंग मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ऐसा करेंगे सप्ताह में, चाहे भले ही आप 1 बार करें, तो फिर आपकी फेस की स्किन पर डेड स्किन, सांवलापन जीवन में कभी नहीं आएगा।
और मिल्क तो इतना उपयोगी रहता है, एक कटोरी मिल्क आप अपने बालों में डाल सकते हैं, अपने बालों को गीला कर सकते हैं और 10-15 मिनट के बाद दोबारा से सादा पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए। और फिर 10-15 मिनट के बाद दोबारा से एक कटोरी आपको मिल्क लेना है, कच्चा मिल्क ही लेना है, एक कटोरी कच्चा मिल्क लीजिए और उसमें सिर्फ एक विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डाल दीजिए। फिर आप इस दूध को, इस मिल्क को आप अपने बालों की लेंथ में लगा लें, बालों की जड़ों में लगा लें और पूरे सर में लगाते हुए हल्की से मसाज करते हुए 30-35 मिनट या फिर 1 घंटे तक आप इस मिल्क को अपने बालों में लगाए रहें। और फिर इसके बाद सादा पानी से आप अपने बाल धो लें। हज़ारों तरह की जो भी समस्याएं आपके बालों को है, बाल टूटने से, बाल झड़ने से, बाल पतले होने से, समय से पहले सफ़ेद होने से, बालों में गंदगी जमा है, बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी यदि आप सप्ताह में एक बार दूध से आप अपने बालों को धो लेते हैं तो। ये आयुर्वेद में लिखा है जो मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ, इन बातों को बिल्कुल आप सच्चा ही माने। और मार्केट में हर चीज़ उपलब्ध है, बालों के लिए भी, चेहरे के लिए भी, हर चीज़ के लिए मार्केट में हर क्रीमें उपलब्ध हैं, लेकिन उनका असर आपकी स्किन पर, आपके हेयर पर क्या होता है यह हम सब जानते हैं। लेकिन नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, भले ही देर से काम करें लेकिन इनका किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है, केवल और केवल फ़ायदा ही होता है। तो जितना आप केमिकल से बचे रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, थोड़े बहुत केमिकल से बनी हुई क्रीमें ऑयल लगा सकते हैं, इनसे फिर भी सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा केमिकल वाली क्रीमें प्रोडक्ट से आपको बचना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिल्क में क्या मिला के आपको अपनी फेस स्किन पर लगाना चाहिए। बस 1 चम्मच के लगभग आपको कच्चा मिल्क लेना है, चुटकी भर आप उसमें हल्दी पाउडर मिला लें और कॉटन से आप अपनी पूरी फेस स्किन पर 10-20 मिनट के लिए लगाए रखें और फिर आप सादा पानी से आप अपना चेहरा धो लें, क्लीन कर लें। और एक और 1 चम्मच के लगभग आप कच्चा मिल्क लें, 1 चम्मच के लगभग आप उसमें शहद मिला लें और आप अपने पूरे चेहरे पर 2 उंगलियों से अच्छे से मसाज करते हुए पूरे चेहरे पर लगा लें और 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा से सादा पानी से आप अपना चेहरा धो लें। या फिर 1 चम्मच कच्चा मिल्क लें, 1 चम्मच आप एलोवेरा जेल लें, दोनों को मिक्स करें और आप अपने चेहरे पर लगा लें और अपनी बॉडी स्किन पर कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल और केवल यह मैल गंदगी की सफाई ही करेगा। लगा के 10-20 मिनट के बाद सादा पानी से आप उस स्किन को, फेस को आप साफ़ कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्किन पर बिल्कुल भी सांवलापन नहीं आएगा, मैल गंदगी बिल्कुल जमा नहीं होगी, फिर आपकी फेस की स्किन गोरी भी दिखेगी और आपकी स्किन चमक तारीफ़ी देखेगी। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी एक नुस्खे को रेगुलर यूज़ करें और आप अपनी फेस की स्किन को केमिकल से फ्री, सुंदर, चमकदार, गोरी बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर लेना और लाइक तो आपने किया नहीं होगा तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं अगला वीडियो आपके मुताबिक बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।